हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने नई पेंशन स्कीम के विरोध में सौंपा ज्ञापन। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने दिया हर संभव सहयोग का आश्वासन। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला का बयान। कांग्रेस ने डाली ठेका प्रथा पर कच्चे कर्मचारियों को भर्ती करने की परंपरा। कांग्रेस भी भाजपा की गलत नीति की वजह से 53,000 कर्मचारियों का भविष्य लगा दांव पर। भाजपा ने सुधार करने की बजाय जारी रखी परंपरा। मुख्यमंत्री पर भी कसा तंज। जब सारा काम ही ठेका प्रथा पर चलना है तो मुख्यमंत्री को भी रखा जाना चाहिए। सरकार की खेल नीति पर भी उठाए सवाल। रोज फैसले बदल कर खिलाड़ियों के साथ सरकार कर रही है खिलवाड़। सरकार को बताया विफल, आज हर वर्ग सड़कों पर आंदोलन को मजबूर। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर भी साधा निशाना। हुड्डा ने अपने कार्यालय में किसान को बर्बाद करने के प्रदेश को कर्ज में डुबोने का किया काम। ये जो ठेका प्रथा जो थी, जो आपके एडवोक पे लगाने, डीसी रेट पे लगाने, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाने, टेम्परेरी किसी को जॉब देनी, ये शुरुआत करी थी कांग्रेस ने। और करी इसलिए थी कि अपने लोगों की जेब कैसे भरी जाए। जाते जाते कांग्रेस की सरकार ने 53,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए हुए लोगों को पक्का करने का एक निर्णय लिए, एक पॉलिसी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस पॉलिसी को खारिज कर दिया और आज 53,000 वो पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने इस प्रदेश में 7-8 साल तक अपनी सेवाएं दी, आज सड़क पे है। किसी दिन भी वो नौकरी से वंचित हो सकते हैं। प्रदेश की सरकार की इसकी जिम्मेवारी बनती थी कि पिछली सरकार ने कोई गलती की है तो उसको सुधारने के लिए कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालती जिससे वो लोग अपनी नौकरी से हाथ धोने की बजाय प्रदेश में सेवाएं दे सकते। कि आज स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, आज जूनियर लेक्चरर है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, आज कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर। तो फिर मान करके चलो, जब सारा काम ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलना है तो मुख्यमंत्री को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लेना चाहिए। फिर इसको भी परमानेंट 5 साल पोस्ट देने की जरूरत नहीं, जो अच्छा काम करे उसको रख ले, जो बेकार आज निकाल दे। पूरे प्रदेश के लोग चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, आज इस सरकार के खिलाफ पूर्ण रूप से उदासीन है, आंदोलनरत है। आज लोग परेशान हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, आज चारों तरफ हाहाकार है। इतना बड़ा बोझ आज हरियाणा प्रदेश के खजाने के ऊपर है। हुड्डा का मैंने एक बयान पढ़ा आज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि 1,60,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर कितना कर्जा लिया, इस प्रदेश के किसान को बर्बाद किया, कितना कर्जा लिया वो बताए, वो तो नहीं बताएगा। हरियाणा प्रदेश जब बना 66 उससे लेकर के 2005 तक केवल हरियाणा प्रदेश के ऊपर 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कर्जा बढ़ करके 70,000 करोड़ रुपए हो गया। ये परंपरा भी तो जो कहता है कि आज प्रदेश कर्ज में डूब गया, उसी कमबख्त की चलाई हुई है। ये उसी ने कर्जे लिए थे, कर्जा लेकर के उन पैसों को विकास पे खर्च करने की बजाय अपने चेतों की जेब में डालने का काम किया। आज इसीलिए तो मुकदमों में फंस करके खड़ा हो गया। आप निश्चिंत रहो, ये चाहे जितने मर्जी बड़ी फैसले ले ले, ये चाहे जितना मर्जी इस हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बजाय डिमोरलाइज करने की कोशिश कर ले, हम अपने प्रदेश के बच्चों को डिमोरलाइज नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों के सामने 100% खुल करके एक चीज़ करेंगे और उनसे कहेंगे, पहले जैसे हमने आपको एक सम्मान दिया, पहले हमने जैसे आपको नगद पुरस्कार दे करके नई पीढ़ी के बच्चों का हौसला बढ़ाया, आने वाले समय में इस राशि को दोगुना करके देंगे, हम बच्चों को मायूस नहीं होने देंगे, ये रोक लेंगे। लेकिन सत्ता रोज इनकी नहीं, सत्ता में परिवर्तन होते हैं, अब की बार तो 100% परिवर्तन है। इस परिवर्तन के बाद हम अपने बच्चों को
इससे दोगुना राशि करके दे करके उनका सम्मान बढ़ाएंगे। आज की तारीख के अंदर मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं मानते, अपने डिपार्टमेंट में बैठ करके अपने मन मर्जी के फैसले लेते हैं। इसका मतलब इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और चीफ मिनिस्टर के आगे अधिकारी नहीं मानते, क्योंकि कोई भी अधिकारी ऐसे फैसले के ऊपर अपनी कलम से ये नहीं लिखेगा कि मैं इसको लागू करता हूं।